कहते हैं कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। इस कहावत को सही साबित किया है तीसरी कक्षा के छात्र भुवन और उनकी टीम ने। कुछ समय पहले खबर आई थी कि एक 5 साल की बच्ची ने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की है। इसी से प्रेरित होकर कक्षा तीसरी में पढ़ने वाले भुवन ने भी पर्वतारोही बनने का संकल्प लिया। भुवन ने मन में ठान लिया और रूस के टस्कोल में माउंट एल्ब्रस की चोटी पता कर ली। रूस जाने से पहले भुवन ने अपने माता पिता से माउंट एल्ब्रस को फतह करने की इच्छा व्यक्त की। उसके साहस को देखकर माता पिता ने भुवन के लिए प्रशिक्षण का इंतजाम किया। माउंट एल्ब्रस पर चढ़ाई से पहले भुवन ने अलग अलग जगहों पर पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लिया। 5 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद भुवन अपनी टीम के साथ रूस पहुंचे और 5642 मीटर की ऊंचाई वाले माउंट एल्ब्रस पर पूरी टीम के साथ तिरंगा फहरा दिया। दिलचस्प ये है कि यूरोप में आमतौर पर कम तापमान के कारण पहाड़ों पर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन भुवन और उनकी टीम ने इस छोटी सी उम्र में सभी चुनौतियों को पार कर लिया। सफल चढ़ाई के बाद पर्वतारोही भुवन का परिवार भी काफी खुश है। खेलने कूदने की उम्र में पर्वतारोहण जैसे साहसिक काम को चुनने वाले भुवन के कीर्तिमान से कई लोग प्रेरित भी हो रहे हैं। भुवन और उनकी टीम की बहादुरी को तारीफें मिल रही हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी भुवन की उपलब्धि की सराहना की थी। भुवन की उपलब्धि को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं और किसी भी उपलब्धि को हासिल करने में संकल्प के अलावा पूरे परिवार का भी साथ जरूरी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।